हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तंत्र मंत्र रिलेटेड चैनल मंत्रलिपि में आप सबका स्वागत है। हेलो दोस्तों, सिलबट्टा को घुमाकर हाजिरा देखने के लिए आज और एक ठो स्वयं सिद्ध बंगाली मंत्र लेकर आया हूँ। इसका पहले भी चैनल में मैंने एक ठो मंत्र दिया था, जिन लोग उस वीडियो नहीं देखा है उन लोग उस वीडियो को देख सकता है। आज मैं और एक ठो मंत्र लेकर आया हूँ, इस मंत्र भी स्वयं सिद्ध बंगाली मंत्र है। इस मंत्र को भी आप लोग प्रयोग करेंगे तो आप सिलबट्टा को घुमाकर किसी भी प्रश्न का, किसी भी क्वेश्चन का आंसर को आप जान सकते हैं। इसका प्रयोग भी वैसा ही है जैसे पहला वाला मंत्र का प्रयोग था, इस मंत्र का भी प्रयोग वैसा ही है। लोग पहला वाला वीडियो नहीं देखा है उन लोग एक बार पहला वाला वीडियो देख लीजिए, इसके बाद ये मंत्र को प्रयोग करेंगे तो आपका काम पूरा पूरी सफल होगा। इस मंत्र को प्रयोग करने के लिए सबसे पहले आपको एक तो सिलबट्टा लेना पड़ेगा, जिसका बंगाली नाम है शिलनोड़ा बोला जाता है। ऐसा शिलनोड़ा आपको लेना पड़ेगा जो ओवल हो, दो साइड में ढालू हो और मिडिल में थोड़ा सा ऊंचा हो, ऐसे आपको शिलनोड़ा आपको ले लेना है। आप जिस जगह पर रखकर शील को घुमाएंगे या सिलबट्टा को घुमाएंगे, वो बेसमेंट या बेस मार्बल होने से अच्छा है या टाइल्स होने से भी अच्छा है, या नीचे में शान होने से, जो सीमेंट का शान होता है वो अगर थोड़ा सा प्लेन रहना चाहिए तभी ये अच्छे से काम करता है। सबसे पहले ऐसे आपको एक तो शिलनोड़ा ले लेना है, सिलबट्टा आपको लेना है जो सिलबट्टा थोड़ा सा उबाल हो। वैसे सिलबट्टा एक ले लेंगे, लेने के बाद उसको गंगा जल से धो लेंगे। धोने के बाद उसको सिंदूर का टिकिया, तीन ठो टिकिया उसमें लगा देंगे और थोड़ा सा धूप दिखा देंगे। दिखाने के बाद जो मंत्र मैंने बताऊंगा, इस मंत्र को सबसे पहले आप पाठ करके कंठस्थ कर लेंगे। कंठस्थ करने के बाद इस मंत्र को एक बार सिलबट्टा के ऊपर में फूंक मारेंगे और अपना फिंगर से उसको घुमाएंगे। ऐसे 7 बार मंत्र पाठ करेंगे और 7 बार फूंक मारेंगे और ऐसे घुमाते आप रहेंगे। इसके बाद उस सिलबट्टा के ऊपर में आप प्रणाम करेंगे और उसके ऊपर में चढ़ जाएंगे। चढ़ने के बाद आप जो भी सवाल करेंगे उसका आंसर आपको मिल जाएगा। आप जानकारी इस तरह से प्राप्त कर सकते हैं, अगर किसी व्यक्ति के बारे में या किसी भी लड़का के बारे में आपको जानकारी चाहिए वो एग्जाम में पास होगा कि नहीं होगा, तब आप ऐसा क्वेश्चन पूछेंगे, ये लड़का एग्जाम में अगर पास होगा तो राइट में घूमो, अगर पास नहीं होगा तो लेफ्ट में घूमो। अगर वो लड़का पास होगा तो वो राइट में घूमेगा, अगर पास नहीं होगा तो वो लेफ्ट में ही घूमेगा। ये एक मैं एग्जाम्पल दिया हूँ, ऐसे ही आपको पूछना है। अगर किसी भी व्यक्ति के बारे में, उसका पास्ट के बारे में आपको जानकारी चाहिए, अगर किसी व्यक्ति का कुछ चोरी हो गया सामान, जिस जिस व्यक्ति के ऊपर में आपको डाउट है उस व्यक्ति का नाम लेकर आप पूछताछ कर सकता है, ये व्यक्ति चोरी किया है कि नहीं। अगर चोरी किया है तो लेफ्ट में घूमो, अगर चोरी नहीं किया है तो राइट में घूमो, तो उसी तरह वो घूमेगा। आप ऐसे ही जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं, तो उसी साइड में वो घूमेगा सही होगा तो, या राइट में घूर या लेफ्ट में घूर, तो उसी साइड में वो घूमेगा। नहीं तो आप बोलेंगे इस हाथ में घूर, नहीं तो इस हाथ में घूर, तो उसी हाथ में वो घूमेगा। मंत्र को मैं पाठ करके सुना दे रहा, मंत्र है, मन जागे पवन जागे हाके हाके सर्वांग जागे हुंकार करी स्वर्गमत जाए चलिया स्वर्गे आछिलु मा मत थेके नामिलु सुवर्णेर पीड़ाय आरोहण हइया घूरा मा घूर দোহাই শেদ গাজির দোহাই 180,000 পীর পায়গম্বরের। এই মন্ত্র, মন্ত্রকমে ফিরসে পাঠ করকে শোনা দাও। মন্ত্র হে, মন জাগে পবন জাগে হাঁকে হাঁকে সর্বাঙ্গ জাগে হুহুঙ্কার করি স্বর্গমত্ত যায় চলিয়া স্বর্গে আছিলু মা মত থেকে নামিলু সুবর্ণের পীড়ায় আরোহণ হইয়া ঘুরা মা ঘুর দোহাই শেদ গাজির দোহাই 180,000 পীর পায়গম্বরের। এই মন্ত্র, इस मंत्र को सबसे पहले किसी भी अच्छा दिन में इस मंत्र को पाठ करके कंठस्थ कर लेंगे। कंठस्थ करने के बाद ही आप लोग प्रयोग करेंगे तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। यही मंत्र और यही मंत्र का पूरा प्रयोग विधि, इस वीडियो का जानकारी अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय माता रानी।